जीएसटी स्टार्ट किए थे अपन लास्ट क्लास में। बेनिफिट्स देखो या फिर फीचर्स ऑफ जीएसटी देखो, प्रकृति एवं विशेषताएं। ठीक है, बेनिफिट्स या फीचर्स देखो। पहला पॉइंट देखो इसमें, जो जीएसटी है वो अपना कौन सा टैक्स है, फेडरल टैक्स बोलते हैं इसको। फेडरल टैक्स मतलब संघीय कर, फेडरल टैक्स। पहले क्या होता था, जो भी टैक्स गवर्नमेंट लेता था उसपे सुनाई दे रहा है सबको। यस मैम। देखो पहले क्या होता था, अगर अपन को किसी चीज का प्रोडक्शन करना होता था, है ना, तो जो माल या वस्तुएं या जो गुड्स और जो सर्विसेज होते थे उनके प्रोडक्शन पर, पहले की बात कर रही हूँ मैं जीएसटी के पहले, उस पर जो टैक्स लगता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, मतलब केंद्र सरकार। लेकिन जब उसको परचेज और सेल करना है तो उसका टैक्स लगाती थी राज्य सरकार, मतलब स्टेट गवर्नमेंट। सुनो, प्रोडक्शन हो रहा है, जो चीज़ बन रही है उसका टैक्स लगाती थी केंद्र सरकार, और जब वो बिक रहा है प्रोडक्ट तो उसका टैक्स लगाती थी स्टेट गवर्नमेंट, मतलब राज्य सरकार। तो इन अपने छत्तीसगढ़ के केस पे क्या होगा, अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसका टैक्स कौन लगाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो उधर बैठा है, चाहे यूपीए गवर्नमेंट है चाहे एनडीए। और जब अब हम उसको खरीद या बेच रहे हैं तो उस पर टैक्स कौन लगाता है, अपना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। तो इस वजह से क्या होता था, जीएसटी लगाना पॉसिबल नहीं था। ये अपने इसमें लिखा था, संविधान में था, संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ लिखी होती है। तो जब जीएसटी गवर्नमेंट ने अप्लाई किया, इम्प्लीमेंट किया, तो उसने लॉ को चेंज किया और उसमें संशोधन किया कि जीएसटी तो अब एक देश एक टैक्स लगेगा, एक देश एक कर, वन नेशन वन टैक्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन को उसमें चेंज किया उन लोगों ने। कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज करने के बाद क्या कर दिया उन लोगों ने, जो टैक्स लगाया उस पे उन लोगों ने 50-50% का शेयर कर दिया। तो जितना भी जीएसटी से टैक्स कलेक्ट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसका 50% वो वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को भेज देगी। पहले क्या होता था, प्रोड्यूसर अलग रखता था टैक्स और होलसेलर और रिटेलर अलग रखता था टैक्स। लेकिन जीएसटी के बाद वन नेशन वन टैक्स हो गया, तो अब कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा टैक्स का, तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको फेडरल टैक्स बना दिया। 50% शेयर गवर्नमेंट रखेगी, 50% ये। फिर देखो टाइप्स ऑफ टैक्स, देखो जीएसटी में टाइप्स ऑफ टैक्स में पहला है लगेगा सेंट्रल टैक्स, अलग लेती है जीएसटी को, 50-50% लेती है जो, एक सेकेंड, सेंट्रल टैक्स अलग है इसमें। सेकंड देखो, इसमें एसजीएसटी एक्ट बोलते हैं। सेंट्रल टैक्स को याद रखना सीजीएसटी लिखवाऊंगी जब मैं इसका प्रैक्टिकल करवाऊंगी, तो सेंट्रल टैक्स हो जाएगा सीजीएसटी और जो स्टेट टैक्स है वो अलग लगता है। तो उसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगी SGST। म्यूट करो माइक। तीसरा इसमें लगती है IGST, जिसमें इंटीग्रेटेड रहती है दोनों की, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड का मैंने प्रैक्टिकल भी करवाया था आप लोगों को, कस्टम ड्यूटी में इंटीग्रेटेड टैक्स करके जीएसटी लगाते थे अपन, तो उसको बोलेंगे अपन शॉर्टकट में IGST। फोर्थ टैक्स लगेगा इसमें, माल एवं सेवा कर अधिनियम, है ना, 2017। मतलब ऐसा टैक्स जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जीएसटी पॉलिसी है उसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट को जो लॉस हुआ है। सपोज जैसे सिगरेट के पैकेट्स होते थे, है ना, पान मसाला वगैरह होता था, इसका पूरा जो रेवेन्यू होता था ना वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता था। लेकिन जीएसटी लगने के बाद से क्या हो गया, पूरा 50% शेयर किसके पास आ गया, केंद्र सरकार के पास। पहले
पहले सोचो इन सब का पूरा टैक्स यानी 100% स्टेट के पास जाता था, अब 50-50% है, तो जो भी लॉस ऑफ रेवेन्यू है वो भी एक एक्ट बना है और उसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट उसको देती है। तो फोर टाइप्स की जीएसटी है इंडिया में, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो इसमें, थर्ड पॉइंट, ये तो टाइप्स ऑफ टैक्स था, फेडरल टैक्स, नेचर ऑफ जीएसटी, प्रकृति क्या है। जीएसटी की प्रकृति क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, सिंपल, हम डायरेक्ट पे नहीं करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स है ना, कौन देते हैं, हम अपन लास्ट में पे करते हैं, एक साथ पूरे अमाउंट्स पे आ जाता है। तो फिर देखो रेट्स ऑफ जीएसटी क्या क्या है, क्या क्या रेट्स चल रहे हैं जीएसटी के। देखो कुछ पे 0% चल रहा है, किसी पे कितना परसेंट चल रहा है, 0.25% चल रहा है, किसी पे 3% लग रहा है टैक्स, तो गुड्स डिफाइन है, किसी पे 5, किसी पे 12, किसी पे 18, किसी पे 28, तो ये रेट्स ऑफ जीएसटी लग रहा है ना। नेक्स्ट देखो कर मुक्त माल एवं सेवाएं, फिफ्थ है कर मुक्त माल एवं सेवाएं एग्जेम्प्टेड, गुड्स एंड सर्विसेज। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ब्रांडेड नहीं होते हैं या पैकेजिंग पे नहीं होता है, तो उनको टैक्स फ्री कर दिया। नेक्स्ट देखो कुछ ऐसी चीजें हैं जो जीएसटी को बाहर में किया है, कमोडिटीज कैप्ट कैप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी, कमोडिटीज कैप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। बताओ कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगता है, जीएसटी के दायरे से बाहर वस्तुएं, बताओ। बताओ ऐसे कितने प्रोडक्ट्स हैं जिसमें। पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, हाँ ठीक 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 माइक में कुछ बात कर दो तुम्हारा। देखो एक अल्कोहल पे सेंट्रल का नहीं चल रहा है, स्टेट का ही चलता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे ये सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट ना याद रखनी है आप लोगों को प्रैक्टिकल के टाइम पे, अल्कोहल पे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, क्रूड ऑयल पे, नेचुरल गैस पे, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, और किस पे हो जाएगा, टरबाइन। तो इन सब पे क्या होता है, अभी जीएसटी नहीं स्टार्ट हुआ है। तो नेक्स्ट देखो सेवेंथ पॉइंट, मल्टी पॉइंट टैक्स, मतलब बहुबिंदु कर, बहुत सारे पॉइंट्स हैं टैक्स के, कैसे देखो। जितना भी मल्टी पॉइंट टैक्स, कैसे, मैंने उस दिन एक एग्जांपल बताया था, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेल, तो कहीं कितने सारे पॉइंट्स भी जा जाके देखो टैक्स लग रहा है। तो मल्टी पॉइंट टैक्स, हर पॉइंट पे अलग टैक्स लगता है और फिर लास्ट में उसका एक निकाल दिया जाता है और उस पे टैक्स लगता है। नेक्स्ट देखो टैक्स ऑन वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड पे टैक्स थी, उस दिन एग्जाम्पल को ध्यान पे रखो, टैक्स जुड़ के जब उसमें अमाउंट ऐड हो रहा था तब हम उसमें क्या कर रहे थे, अपना प्रॉफिट ऐड कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, बताओ। बढ़े हुए मूल्य पर कर, टैक्स ऑन वैल्यू एडेड, जैसे सपोज 100 रुपीज प्राइस है, तो
ना, उस पर टैक्स अगर 20% सपोज, तो प्राइस कितना हो गया 120 है। अब ये गुड्स गया 120 में किसी के पास, तो वो अब 120 पे टैक्स नहीं लगाएगा। अब वो पहले क्या करेगा, अपना प्रॉफिट ऐड करेगा सपोज 20, तो वैल्यू क्या की उसने ऐड की। अब इस 140 पे अगर वो फिर से सपोज 20% टैक्स लगाएगा, तो 140 का 20% कितना हो जाएगा, 28 है ना। तो अब प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी हो गई, 168। तो ऐसी सिचुएशन में अब प्रोडक्ट की कॉस्ट हो गई 168। तो पहले प्रोडक्ट बना 100 का, उसको कॉस्ट है, उसने 20 टैक्स लगाया, तो वो हो गया 120। लेकिन जब वो नीचे आया तो 120 पे नहीं लिया, उसको किस पे लिया, उसने 20 अपना प्रॉफिट लिया। म्यूट करो बेटा माइक, किसका माइक ऑन है, उमेश कुमार पटेल, माइक म्यूट करो। किसी को डाउट है ये मल्टी पॉइंट टैक्स में, पूछो तो, नहीं तो मैं पूछूंगी क्वेश्चन अगर नहीं पूछा आप लोगों ने मुझसे। हाँ एक बार मल्टीपॉइंट बताइए। कौन फोर्थ टाइप कौन सा है मैम, जीएसटी का? सा वाला? अच्छा ये वाला फोर्थ वाला, इसको, ये एक अधिनियम है। फोर्थ हाँ टाइप हाँ कौन सा हाँ है हाँ जीएसटी का? अधिनियम है बेटा, ये टाइप नहीं है। माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 बोलते हैं, मतलब गुड्स एंड सर्विस, गुड्स स्टेट्स कॉम्पनसेशन एक्ट 2017, गुड्स एंड सर्विस लिख रही हूँ, देख लो, गुड्स एंड सर्विस स्टेट कॉम्पनसेशन यस मैम। स्टेट कॉम्पनसेशन 2010। डाउट है यहाँ तक किसी को, कहीं पे पूछो। आगे देखो 10th 9th पॉइंट देखो इसमें। अब 9th पॉइंट है ना, जीएसटी का राशि बिल में अलग से प्रदर्शन करना, अमाउंट ऑफ जीएसटी शुड बी शोन सेपरेटली इन इनवॉइस, अमाउंट ऑफ जीएसटी शुड बी शोन सेपरेटली इन इनवॉइस। तो जब भी हम इनवॉइस इनवॉइस या जो बिल रेडी करवाएंगे, जो गुड्स का प्रोडक्ट है वो अलग लिखेंगे और जो जीएसटी का अमाउंट है वो अलग से। तो जीएसटी का राशि बिल में अलग से प्रदर्शित करना। दूसरा नेक्स्ट देखो, रजिस्ट्रेशन, जो व्यापारी होते हैं उनको पंजीयन करवाना पड़ता है, तो ये भी एक फीचर है रजिस्ट्रेशन। तो ये हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक। नेक्स्ट है इनवॉइस रेडी होना चाहिए अपने पास, तभी अपन को उसमें पता चलेगा कि कितना गुड्स का अमाउंट है और कितना जीएसटी का अमाउंट है। प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस इज मस्ट, मतलब कर भी तैयार करना। पेमेंट ऑफ जीएसटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैलकुलेट तो किया लेकिन पे भी तो करना है, तो पेमेंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी का भुगतान कैसे होता है, पेमेंट ऑनलाइन भी कर सकते हैं, किसी की हेल्प किससे भी कर सकते हैं। प्लस प्रोसीजर है एक रिटर्न फाइल करने का, कुछ एक मंथली होता था पहले, फिर उसको 3 मंथ्स में किया, तो ये चेंज होने वाला पैटर्न है। तो जो भी रिसेंट चलेगा, प्रोसीजर फॉर फाइलिंग रिटर्न 14th में। इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, इनपुट टैक्स
टैक्स क्रेडिट, ये प्रैक्टिकल के टाइम पे बताऊंगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको हिंदी में भी यही बोलेंगे। ठीक है, जो हम लास्ट पॉइंट पे जब हम टैक्स पटाते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट का इन शॉर्ट मतलब समझो, सपोज ओवरऑल एक गुड्स का टैक्स टैक्स बना 4500, तो लास्ट में हम क्या करते हैं, वो वाला टैक्स माइनस करते हैं जो ऑलरेडी एक प्रोड्यूसर पे कर रहा था, एक डिस्ट्रीब्यूटर पे कर रहा था, एक होलसेलर पे कर रहा था। लास्ट वाले एग्जाम्पल को याद करना, जैसे गुड्स का प्राइस बढ़ते जा रहा था तो टैक्स हम माइनस करते जा रहे थे। याद आया कुछ मैंने बताया था ऐसा? बताओ, भूल गए सब? याद है, गए, याद है। सबको याद है? सब भूल गए? देखो एक एग्जाम्पल नहीं दिया था, 1000 का गुड्स है, सपोज 20% अगर उसमें टैक्स लग रहा है तो कितना परसेंट टैक्स हो जाएगा उसमें? 20% बताओ, 200, तो गुड्स का प्राइस कितना हो गया? 1200। फिर दूसरे के पास गया उस 1200 में, फिर उसने उस पर 20% लगाया, अब वो क्या कर रहा है, अपना प्रॉफिट जोड़ रहा है इसमें 300, है ना? वैल्यू ऐड किया, प्रॉफिट जोड़ा मतलब वैल्यू ऐड किया, अब कितनी वैल्यू कर दी उसने, 1500। अब फिर इस पर टैक्स लगेगा 20%, तो कितना होगा, 1500 का 20% 300, है ना? तो 1500 में जो मैं अब टैक्स पे कर रही हूँ वो कितनी हो गई, 300, तो अब प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी हो गई, 1800। तो सोचो अब लास्ट पे टैक्स लग रही है 1800 पे 20%, तो कितना होता है 1800 का 20%, 360। 360। तो देखो टैक्स इस वाले पॉइंट पे ओवरऑल टैक्स कितनी देनी थी हमको, 100, 360। तो हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे ऑलरेडी कितनी टैक्स पे कर चुके हैं, 200। इधर वाले पे हम कितना टैक्स पे कर रहे हैं, 300, है ना? तो कितना टैक्स लग रहा है, देखो 500, और पे कितना करना था, 360। तो जो एक्स्ट्रा पे किया हुआ है तो वो क्या करते हैं, यहाँ में से माइनस करेंगे, तो 500 में से 360 माइनस हुआ तो कितना बचा, 140। तो ये जो 360 मैंने, सॉरी 360 नहीं, सॉरी एक सेकेंड, टोटल टैक्स लगनी चाहिए थी 360, है ना? तो फर्स्ट स्टेज पे हम टैक्स कितनी दे के आए थे, 200, तो हम वो तो दे के आए, तो 360 में से 200 माइनस किया तो कितना आएगा बताओ, 160 आएगा। 160। हाँ, तो ये जो 160 आया ये वो टैक्स है ना, एक्स्ट्रा हमको जो पे करनी है, तो जो मैंने ये 200 माइनस किया क्योंकि हम फर्स्ट स्टेज पे 200 दे चुके हैं, तो वो अब लास्ट में क्या हो जाता है, माइनस। तो ये जो माइनस होगा इसी को ही बोलूंगी इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो पहले हम टैक्स पे कर चुके हैं और जो फिर से उसमें ओवरऑल लग रहा है तो हम उसमें से उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आया समझ में? देखो फर्स्ट स्टेज पे 200 दिए, सेकेंड स्टेज पे 300, लेकिन जब वो प्रोडक्ट बन के रेडी हुआ 1800 में, तो अकॉर्डिंगली कितनी टैक्स लगनी चाहिए थी, 360, पहले 200 फिर 300, तो इस वाले स्टेज में अब कितनी लगनी चाहिए थी टैक्स, देखो 160, तो ये 200 हम क्या करेंगे, माइनस, तो ये हो जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। नेक्स्ट देखो, इसमें सेल्फ असेसमेंट है एक पॉइंट, हम खुद अपना असेसमेंट कर सकते हैं कि हमको कितना टैक्स देना है, इसके लिए हमको किसी लॉयर या चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, बस अपना एंट्री सही सही करते जाओ, वो ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट हो जाता है, इनके कुछ पोर्टल्स या साइट्स होते हैं उनके थ्रू। और बताओ, और कोई डाउट? नेक्स्ट देखो, सेल्फ असेसमेंट के बाद प्रोविजन रिगार्डिंग पेनाल्टी प्रोसिक्यूशन अगर हम टैक्स
चोरी कर रहे हैं या हम लेट फाइन कर रहे हैं या हमने कुछ गलत काम किया, तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ प्रोविजन है, और हमको लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसकी अपील, तो अर्थदंड, सजा एवं अपील के प्रावधान भी हैं उसमें, जो टाइम टू टाइम चेंज भी होते जा रहे हैं, तो हमको उसके अकॉर्डिंग अपडेट होना पड़ेगा। तो प्रोविजन रिगार्डिंग पेनाल्टी का है, तो प्रोसिक्यूशन भी होगा, तो लेकिन साथ में गवर्नमेंट हमको अपील का भी चांस दे रही है। ये सारी बेनिफिट, बेनिफिट नहीं बोल सकती, नेचर ऑफ जीएसटी फीचर। इन 14th पॉइंट में अब कोई डाउट है किसी को पूछो, अपूर्वा, चितेश, कविता, मौसमी, जल्दी पूछो बेटा, निकिता, कुछ भी डाउट है तो। क्या 14, प्रोविजन 14 है ना बेटा, अगर हम, हाँ हेलो इनपुट टैक्स क्रेडिट। बेटा, मैंने देखो ना, ये यहाँ पे देखो, जो एक चार्ट में ना आपको शो करती हूँ पीपीटी के थ्रू, एक सेकंड रुको, हाँ एक सेकंड देखो, ये वाला पॉइंट, जब हमने रॉ मटेरियल, सोचो एक गुड्स बन रहा है ना, एक गुड्स बन के रेडी हो रहा है, तो हमने जब उसको परचेज किया था उसका मटेरियल, तब वहां पे टैक्स लगी थी 1,000 रुपये। फिर जब हमने दूसरा रॉ मटेरियल खरीदा था, तब उस पर टैक्स कितनी लगी थी, 800। फिर तीसरा रॉ मटेरियल लिया था, फिर उस पर कितना टैक्स लगा था, देखो 1,200। तो ये 1,200, 800, फिर 1,200। तो जब हम कुछ कच्चा सामान या कच्ची सामग्री या रॉ मटेरियल जब हम परचेज करते रहते हैं, तब हम क्या करते हैं, साथ साथ में टैक्स भी तो पे करते हैं, है ना? अगर हम कुछ भी लेते हैं तो हम क्या करते हैं, टैक्स पे करते जा रहे हैं। तो फिर इन तीनों चीजों से मिलके हमारा एक प्रोडक्ट रेडी हुआ है। तो जब हमारा एक प्रोडक्ट बन के रेडी हुआ, तो उस पर टैक्स लग रहा है 45%। ठीक है, दो अलग चीजें, हम जब प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसको बनाने के लिए हमने कुछ सामान खरीदा था, तो जब हमने खरीदा होगा तो हमने क्या किया, उस पर टैक्स पे किया होगा। तो ये वो वाले पॉइंट्स हैं, ए बी सी, है ना? तो कभी हमने 1,000 पे किया टैक्स, कभी 800 और कभी 1,200। लेकिन जब हमारा सामान बन के रेडी हो गया, तब उस पे टैक्स कितना लग रहा है, 4,500। तो जब हमारा सामान बन के रेडी हुआ, तो वो कौन से सामान से बना, उसी सामान से बना ना जो हमने खरीदा था। तो उस पे देखो, हम ऑलरेडी पहले 1,800 और 1,200 टैक्स इतना पे कर चुके हैं, इसी से ही सामान बना है, और इस पे हम खरीदते टाइम टैक्स दे चुके हैं। तो जब हमारा सामान अब बन के रेडी हो गया है, तो उसकी कॉस्ट अपन को पता नहीं जितने भी पड़ रहे हो, अब उस पे टैक्स कितना पड़ रहा है, 4,500। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, ये वाला जो टैक्स हम पे कर चुके हैं, क्योंकि इसी गुड से तो सामान बना है ना, अब इस पे फिर से टैक्स क्या लगाना। तो क्या करेगी गवर्नमेंट इस सिचुएशन पे, इस 4,500 में ये 3 टैक्स माइनस कर देगी, मतलब 3,000। तो ये जो 3,000 इसने माइनस किया गवर्नमेंट ने, है ना, ये हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट। और ऑलरेडी अब हम कितना टैक्स पे करेंगे, बचा हुआ 1,500। तो जो ऑलरेडी पेड टैक्स है, उसको हम जब लास्ट में प्रैक्टिकल करते टाइम माइनस करते हैं, तो हो जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब आया समझ में? यस मैम। आया मौसमी? डाउट है तो पूछ लो, अभी भी कोई इशू नहीं है, फिर से पूछ सकते हो। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। मैम एक बार बताइए ना। अरे म्यूट करो बेटा, माइक म्यूट करो, क्या मैम हो? हाँ पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। लिया सबने? हाँ यस मैम। आप देखो, इसमें जो टैक्स हम, मैंने मल्टी पॉइंट टैक्स बताया है, जो टैक्स हम पे करते आ रहे हैं, तो उस टैक्स को जब हम लास्ट में माइनस करते हैं, तो जो माइनस कर रहे हैं, क्योंकि जो टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हैं, बस उसी को इसने नाम दे दिया इनपुट टैक्स क्रेडिट। कोई ना कुछ बोल रहा था, मैंने इसलिए बोल दी कि म्यूट कर दो। कौन कुछ बोल रहा था, डाउट था शायद किसी का, किसका था, मौसमी थी या मैम, पता नहीं कौन था, कौन बोलो, क्या डाउट था भाई? मैम इसको एक बार बताइए ना। तो बता रही हूँ, इसके अलावा मतलब पूछ, क्या इसमें क्या समझ नहीं आ रहा है ये बताओ, फिर मैं उस पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगी। ये बताओ,
क्या पॉइंट नहीं समझ में आ रहे हैं? या मेरे को ये बताओ कि तुम इससे क्या समझ रही हो, तभी मैं उसको समझ पाऊंगी ना कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। बताओ इसमें माइनस क्यों करेंगे, ये समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे माइनस करके उस टैक्स को, हाँ बोले माइनस करके, यहाँ पे माइनस नहीं किया। देखो मैं ना इस पे बताती हूँ, एक जीएसटी का फंडा क्या है, रूल वन नेशन वन टैक्स। ठीक, दूसरी चीज कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग का मतलब अगर एक बार किसी पे टैक्स लगाए तो दूसरी बार नहीं लगेगा। इसी क्वालिटी को ध्यान पे रखते हुए जीएसटी स्टार्ट हुआ था, तो एक बार किसी चीज पे टैक्स लगा है तो दूसरी बार नहीं लगेगा, ये बेसिक एम है जीएसटी का। तो सपोज 1000 में सामान लिया प्रोड्यूसर ने, उसको बनने का कॉस्ट 1000 आया, उसे अपना प्रॉफिट जोड़ दिया, अब उस पर वो टैक्स लगा रहा है कितना, 20%। तो अब उस पर जो 20% टैक्स लगेगा तो वो कितना हो जाएगा, 1000 का 20% 200 है ना। इधर देखो, इधर मैं मेंशन कर रही हूँ ये टैक्स, ठीक है। फिर तो MRP मतलब कॉल पर सेलिंग प्राइस या MRP, ये वाली कॉस्ट आ जाएगी। तो अब MRP देखो कितनी हो रही है, 1200। अब इसने 1200 में बेचा किसको, समझो डिस्ट्रीब्यूटर को। तो सेकेंड स्टेज पे डिस्ट्रीब्यूटर ने लिया इस पे कितने रुपए में, 1200 रुपए में लिया डिस्ट्रीब्यूटर ने, क्योंकि देखो इसने टैक्स जोड़ के पैसे बेचा है। तो 1000 के प्रोडक्ट पे टैक्स लगी 200, तो प्रोडक्ट कितने का हो गया, 1200 का हो गया। अब जब डिस्ट्रीब्यूटर उसको लेगा तो डिस्ट्रीब्यूटर अब अपना पहले वैल्यू ऐड करेगा, अपना प्रॉफिट 300 सपोज। तो अब जो गुड्स की प्राइस हो गई कितनी हो गई, 1500। अब इस 1500 पे फिर 20% जब वो देखो टैक्स लगा रहा है, तो कितना हो गया, 1500 पे 20% टैक्स 300। तो अब जो प्रोडक्ट का MRP है वो देखो वो कितना हो रहा है, MRP अब कितना हो जाएगा उस प्रोडक्ट का, बताओ 1500 होगा, सॉरी 1800। ये देखो आ रहा है समझ में, 1800 क्यों हुआ, एक तो उसने अपना प्रॉफिट ऐड किया तो वो कितने का हो गया प्रोडक्ट, 1500 का हो गया, और 300 रुपये टैक्स लग रहा है 20% के हिसाब से। तो अब प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी हो गई, 1800। तो जब हम कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट 1800 में बेचने जाएंगे तो अब वो भी टैक्स पे करेगा, तो कितनी पे करेगा, 20% के हिसाब से। कितने का पे किया उसने टैक्स, सोचो 360। तो अब इस पॉइंट पे गवर्नमेंट बोल रही है कि प्रोडक्ट वही है जो 1000 से बना था, लेकिन वो आते आते कितने का हो गया, 1800 का हो गया। प्रोडक्ट है ऑलरेडी 1000 का, आ गया 1800 का, और इस पे टैक्स कितना दे रहे हैं हम, 300 रुपए दे रहे हैं। देखो टैक्स कितना पे कर रहे हैं, 300। तो गवर्नमेंट बोलेगी ऑलरेडी जब इस पे, इस वाले पोर्शन पे 200 टैक्स दे चुके हैं, इस वाले पोर्शन पे 300 दे चुके हैं, वही प्रोडक्ट है, तो जब उस पे 300 और 200 टैक्स लग चुकी है तो 360 क्यों लेना टैक्स। तो जब यहाँ पे ये टैक्स पे करेगा तो वो क्या करेगा, 100 रुपए पे करेगा, क्योंकि ऑलरेडी 200 रुपए वो ऑलरेडी प्रोड्यूसर पे कर चुका है उसी प्रोडक्ट पे। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, तो 300 में से उसका 200 हटा देगी, तो अब उसको सिर्फ कितना पे करना है टैक्स यहाँ वाले पॉइंट पे, 100। अब सेम यहाँ पे आए तो ऑलरेडी टैक्स देखो यहाँ पे 200, यहाँ पे 100, 300 पे कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे कितनी माइनस करवाएगी गवर्नमेंट, 300। तो ये जो माइनस करवा रही है गवर्नमेंट टैक्स, क्योंकि ऑलरेडी उस प्रोडक्ट पे पहले कितनी टैक्स पे हो चुकी है, तो उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो यहाँ पे 60 रुपीज बचा टैक्स का। तो देखो फर्स्ट स्टेज पे 200 टैक्स लगी, तीसरे स्टेज पे 100 लगी, और थर्ड स्टेज में 60। तो ओवरऑल देखो कितना टैक्स हुआ, 200 प्लस
100 प्लस 60, तो टैक्स कितना लगा अपना 360। तो ओवरऑल टैक्स देखो यहाँ पे भी कितनी बन रही थी 360, और हम हर स्टेज में इतना पे कर चुके हैं कि एट द एंड वो 360 हो चुका है। तो जब ये माइनस होता है तो उसी को इनपुट टैक्स बोलते हैं। अब